तो दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा जहाँ पे मैंने इंटेल वर्सेस एएमडी दोनों की जो लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च हुई है उस पे वीडियो बनाया। आप में से ही कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर मुझे बिल्कुल लेटेस्ट के साथ जाना है तो आप बताइए कौन सा सिलेक्शन करूँ। तो वहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश की है, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा सा पता लगाओ और अपने लिए एक अच्छा सा सीपीयू सिलेक्ट करो। वो तो बात होगी बिल्कुल जिसको लेटेस्ट के साथ जाना है। आप में से बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन मैंने देखे अभी कम्युनिटी टैब पे और कमेंट सेक्शन में कि सर क्या अभी राइजन 5000 सीरीज़ को लेना सही रहेगा या इंटेल की जो 12 जेन है 13 जेन के पहले की जेन उसको लेना सही रहेगा। तो आज हम चारों जनरेशन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। पिछले वाले में बिल्कुल जो दो लेटेस्ट है ना उसकी बात की, लेकिन आज इंटेल एएमडी दोनों की दो दो जनरेशन की बात करेंगे, लेटेस्ट जनरेशन प्लस प्रीवियस जनरेशन। तो ये एज ऑलवेज मैंने देखा है कि जब भी नई जनरेशन आती है तो पुरानी जनरेशन के प्राइस ड्रॉप होते हैं, और सिर्फ सीपीयू के प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे प्लेटफॉर्म की प्राइस ड्रॉप होती है। ठीक है, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर जनरेशन को लेना बहुत ज़्यादा, मतलब उनके प्राइस इतनी ज़्यादा इतने सही हो जाते हैं ना कि एक बजट यूज़र के लिए तो बहुत सही है। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं, बिल्कुल वर्थ डील हो जाती है, तो उसको लेना बहुत सही हो जाता है और इजीली ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो जैसे बिगिनिंग में मैंने कहा कि अगर आप ऐसे यूज़र हो कि बिल्कुल आपको लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चाहिए और आप पैसे भी खर्चने को तैयार हो, तो डेफिनेटली आपको लेटेस्ट जनरेशन के साथ ही जाना चाहिए और डिसाइड कर लेना एएमडी के साथ जाना है कि इंटेल के साथ जाना है। ठीक है, लेटेस्ट के साथ जाते हो तो आपको सारी चीज़ें सारी टेक्नोलॉजी वहाँ भी लेटेस्ट मिलेगी, प्लस फ्यूचर प्रूफिंग भी हो जाएगी। जैसे आप 13 जेन के साथ जाते हो या 7000 सीरीज़ के सीपीयूज़ के साथ, तो DDR5 मेमोरी का सपोर्ट है, पीसीआई एक्सप्रेस जनरेशन 5 का सपोर्ट है। तो अभी तो ऐसा कोई डिवाइस या कोई ऐसे SSD मार्केट में है नहीं जो जेन 5 पे चलती है, लेकिन फ्यूचर में आएंगे, तो अभी के लिए वो जेन 5 आपके किसी काम के नहीं है। सिर्फ कहने के लिए कह सकते हो मेरे पास जेन 5 वाला मदरबोर्ड है या जेन 5 वाला सिस्टम है, लेकिन फ्यूचर में जब जेन 5 वाली SSD आती है तो उसकी स्पीड आप एंजॉय कर सकते हो। प्लस ग्राफिक्स कार्ड भी आने वाले हैं, AMD इंटेल भी और NVIDIA सारे ग्राफिक्स कार्ड जो फ्यूचर में आएंगे वो जेन 5 में आएंगे, तो उस वक्त उसकी स्पीड को आप एंजॉय कर पाओगे, परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपकी फ्यूचर प्रूफिंग हो गई, अभी जो आपने प्राइस पे किया ना उसके लिए फ्यूचर प्रूफिंग हो गई। लेकिन वहाँ पे लेटेस्ट के साथ जाने से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और जो अभी अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है वो ये है कि पहले तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, प्लस सारी चीज़ें बढ़ती है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मिलती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है वो है पावर कंजप्शन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हम अब बेफालतू में पावर कंजप्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इसे डिसएग्री करो, कोई बात नहीं, ये आपका हक है डिसएग्री करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बेफालतू में ना हम पावर कंजप्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं और हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नए CPUs की प्राइस हाई, नए मदरबोर्ड की प्राइस हाई, रैम की प्राइस हाई, अभी भी DDR5 मेमोरी जो है वो बजट प्राइस में नहीं मिल रही, मतलब उसको हाई कंसिडर करूँगा मैं। ठीक है, नॉर्मल प्राइस नहीं कह सकते, उसकी प्राइस हाई। अभी जो CPU कूलर आप लोगे, जो नए CPU कूलर जो है नए सॉकेट पे लगाने पड़ेंगे उनकी प्राइस हाई। ठीक है, पावर कंजप्शन बढ़ेगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ जाती है। डेफिनेटली सारी चीज़ें लेटेस्ट मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ें भी बढ़ती है। अब अगर आप अभी एक जनरेशन बैक जाते हो जैसे AMD 5000 सीरीज़ के CPUs, तो पहले तो CPUs की प्राइस बहुत सही है अभी। ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो जाके देख लो सारी प्राइसेस और उनका परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आउटडेटेड है ये जनरेशन, एक जनरेशन बैक जा रहे हैं हम, इससे पुराने में जाने के लिए मैं आपको मना करूंगा। अगर कोई राइजन 3000 के साथ जाना चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस बहुत सही प्राइस में मिल रहा है तो जा सकते हो, बाकी अभी उसको लेने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, 5000 सीरीज सही है, उससे बैक जाना सही नहीं है। सेम कहानी इंटेल की, में 12 जेन में आप जा सकते हो, 11th जेन तो जब नई थी तब भी मैंने कभी रेकमेंड नहीं किया। ठीक है, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो एक जनरेशन बैक जा सकते हो। अब जैसे 5000 सीरीज की बात करें तो उसमें रेंज ऑफ CPUs अवेलेबल है, ये अभी ना CPU सिलेक्शन में सबसे बढ़िया टाइम है, हिस्ट्री में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि इतने सारे रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ CPUs हैं, यूजर के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और CPU मार्केट इतना टाइट है, इतना कॉम्पिटिशन टाइट है ना, उसकी वजह से बहुत सही प्राइस में सारे CPUs मिल रहे हैं। ठीक है, वरना 16 कोर और 24 कोर वाला CPU कभी देखा है ना 60,000 में? इंटेल खुद अपने ये जो 6 कोर के ऊपर के CPU ना 1-1 लाख के ऊपर बेचता था, जबकि अभी 5950X मैंने थोड़े दिन पहले डील में देखा था 45,000 में, 16 कोर 32 थ्रेड वाला CPU 45,000 में सबसे बढ़िया डील थी। ठीक है, और उसे कम्युनिटी टैब पे डाला भी था। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5000 सीरीज के साथ आप जाते हो तो पहले तो CPUs की प्राइस कम है, प्लेटफॉर्म की प्राइस, अगर हम चिपसेट मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो X570 B550 दोनों ही बहुत सही प्राइस में भी मिल रहे हैं, DDR4 मेमोरी भी बहुत सही, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। ठीक है, DDR4 मेमोरी के प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, Gen 4 SSDs की बात करें तो Gen 4 SSDs के प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। तो पूरे प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कंपेरिजन करें ना अगर हम ये पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में, तो मुझे
पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, शायद होंगे आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे डिसएग्री करेंगे, डिफर कर सकते हो आप, आपका हक है, लेकिन मुझे अभी AMD 5000 को लेना सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। अभी अगर मैं खुद अपने लिए सिस्टम बनाता ना, तो मैं 7000 के साथ नहीं जाता, ना ही इंटेल के साथ जाता 13 जन के साथ। AMD 5000 बहुत सही है, बहुत सही प्राइस में अभी मिल रहे हैं, चाहे CPU की बात करें, रैम, मदरबोर्ड, सारी चीज़ें, SSDs, तो पूरा खर्चा वहाँ पे आपका कम हो जाता है। बहुत सही बजट में एक बहुत अच्छा सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस वहाँ पे पावर कंजप्शन, जैसे ये दोनों अभी लेटेस्ट हैं, उनके पावर कंजप्शन को ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन है, ठीक है, दोनों का ही। इंटेल का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन AMD का भी उससे, इंटेल से थोड़ा सा कम है, इतना ज़्यादा कम नहीं है। अगर हम 5000 के अगेंस्ट कंपेयर करें ना, तो जितना परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ हुआ है ना, उतना ही, अगर मतलब कैसा होता है कि जितना परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ होता है, उतना ही अगर पावर कंजप्शन में इंक्रीज़ होता है ना, तब तक वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं, और पावर कंजप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर क्रिटिसिज्म होता है, और यही हो रहा है, ठीक है। तो अगर AMD 5000 की बात करें, तो उसका पावर कंजप्शन बहुत कम है कंपेरेटिवली, ठीक है ना। और पावर कंजप्शन कम होगा तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगा, उनके कूलर भी सस्ते मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के वाले CPUs लेते हो, तो उनके कूलर भी आपको महंगे मिलेंगे, बड़े बड़े सॉकेट हैं, तो नए कूलर डिज़ाइन करने पड़ते हैं, आ भी रहे नए नए कूलर, ठीक है। लेकिन पुराने कूलर अगर आप 5000 के साथ जाते हो, और आपके पास ऑलरेडी कोई पुराना सिस्टम है जिसमें AM4 सॉकेट के कंपेटेबल कूलर है, तो आप उसी कूलर से काम चला सकते हो, आपको कोई नया कूलर का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास DDR4 मेमोरी भी अवेलेबल है बाय एनी चांस, तो आपको नई रैम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी रैम के साथ आप चला सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों ही पक्ष को, दोनों कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ जाते हो तो क्या क्या हो सकता है, और इसके साथ जाते हो तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप ऐसे यूज़र हो, अब आपको डिसाइड करना है, ये तो पूरा डिस्कशन हमने कर लिया, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे, मैंने जैसे बोला कि मैं अगर ये करता, तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही करना है। ये सारी चीज़ें समझो, अपने हिसाब से रिसर्च करो, और आप डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि आपको 7000 के साथ जाना है और 13 जन के साथ जाना है, तो डेफिनेटली उसके साथ जाओ, फिर बाद में कोई रिग्रेट मत करना, ठीक है, कि सर ने बोला था या कुछ भी, मतलब किसी और का वीडियो देख के भी। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और ऐसा सोचते हो कि अभी 5000 के साथ जाके हम सिस्टम बनाते हैं, तो कम पैसों में सिस्टम बन जाएगा, सारी चीज़ें भी वहाँ पे कम हो जाएगी, हाँ डेफिनेटली वहाँ पे सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट मिलती नहीं है। अब ये भी किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि ये सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है, या कंपनियाँ हमें जो हम पे थोप रही हैं, उसकी सही में हमें ज़रूरत है या नहीं, एक्चुअली में उतने परफॉर्मेंस की, उतने पावर कंजप्शन की, ये जो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं, मतलब वो पूरा एक अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, इसमें नहीं कवर करूँगा, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये आप डिसाइड करो, ठीक है। 5000 के साथ जाना है, इंटेल 12th Gen भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके साथ जाना है, या बिल्कुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट के साथ जाना है, ज़्यादा पैसे खर्चने को तैयार हो, तो फिर आपको उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी है जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहूँगा, रील्स के ज़माने में अब ज़्यादा लोगों में पेशेंस रहा नहीं है। तो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।